वल्ला हबीबी बकरा ईद मुबारक। तो बकरा ऐसा लगे चार लोग परेशान हो गए। ऑलरेडी अपना जो सिर खुरमा रेडी हो चुका है, एक हटा ढक्कन। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज आदम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होगे, खैरियत से होगे। एडवांस में आप सभी लोगों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो। आज का अपना आखिरी दिन है, कल है अपनी ईद। गर्ल्स कंट्रीज में आज ईद हो चुकी है, यानी आपको पूरा मैच दिखाई दे रहा होगा, कल तक पूरा साफ हो जाएगा। कल इस वक्त सारे के सारे बकरे अल्लाह पाक की राह में कुर्बान हो जाएंगे। अभी जैसे में नहा के पानी का काफी तेज बारिश शुरू हो गई। के पहले मस्त एकदम हल्की हल्की धूप निकली हुई थी, देवरा जाना पॉसिबल नहीं हो पाया। जाने को मैं जा सकता, कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन मैं क्लासेस अपनी चालू थी, उसी के साथ साथ ये बारिश स्टार्ट हो गई। एंड उसके पहले जो धूप थी ना भाई, वो जब मीम चल रहा है ये चार लोग क्या कहेंगे वो वाला। ये मीम अपने मुन्ना भाई के बकरे पे फुल्ली अप्लाई होता है। तो बकरा ऐसा लगे चार लोग परेशान हो जाए। मेरे घर में खिड़की के पास इसकी आवाज़ आती है, तो भाई ये तो इनके आस पास में कह रहे लबा के रहम करे। आखिरी दिन आज इसका चिल्ला चिल्ला की आवाज़ बैठ गई इस बकरे की। जितने भी सारे बकरे सबकी अपनी खूबसूरती है। आपके भाई को जिस लेवल का बकरा पसंद है ना, वो ऐसा है। ये बकरा इतना क्यों चिल्ला रहा है, क्योंकि पला हुआ बकरा है। मुझे पता है क्यों, मैं बकरा पाल चुका हूँ। तो एक तो इसकी जगह चेंज हो गई, जिसने इसको पाला वो जिसका दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो भी एक बात है। चीज़ है काफी तगड़ी, लकड़ा थोड़ी है, जिसकी वजह से यहाँ पे गोनी बांध के रखा गया। पाँच दिन की अपने हॉलीडे संडे को अगर मैं हटा दूँ, चार दिन की अपनी हॉलीडे क्लासेस। आज अपनी थी क्लासेस, लेकिन अभी भी थोड़ी देर पहले मैसेज आया, टुडे देयर इज नो क्लास, क्लास रिज्यूम डायरेक्टली फ्रॉम मंडे। तो आज के ब्लॉग में भी पूरे बकरे ही बकरे हो गए भाई। फिलहाल तो ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ मैं। अगर अपना बकरा होता फिर वो यहीं पे बंधा हुआ होता, मजा आता। इंशाल्लाह अगली बार। अस्सलाम वालेकुम। एक ब्लॉग अपना एडिट हो रहा है, एक और अपना ब्लॉग एडिट करना बचा है। ईद में क्रॉस हो जाएगी, पहले वीडियो शायद आप ईद उल अज़हा के बाद देख रहे होंगे। मोहम्मद अली। एक व्लॉग में रेंडर हो रहा है, इसके बाद एक और व्लॉग है जो मुझे एडिट करना है। वल्ला हबीबी बकरा ईद मुबारक, बकरा ईद मुबारक, ईद मुबारक। 4:47 एट द आफ्टरनून। दो घंटे से भी कम टाइम में मैंने दो व्लॉग एडिट किया, बाकी अपलोड सिर्फ एक ही व्लॉग हो पाया क्योंकि मेरा डेटा जो एग्जॉस्ट हो गया। तो मैं दूसरे बकरे निकलने वाले थे, लेकिन अभी जो हल्की रीडिंग चालू है, सिर्फ 5 बजे वाला अभी लाइट थी। अगर बारिश नहीं आई तभी सारे के सारे बकरे बाहर निकलेंगे, पूरी तरीके से माशाल्लाह भरी भी दिखेगी। अगर बारिश आई तो फिर रात में माहौल बन सकता है, बाकी अभी का माहौल बनेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। बादल है अच्छे खासे। हसनैन बकरा किधर है? एक ही है, एक दो तीन चार, और जो मुझे भाई का एक दो बकरा था शायद से ये वाला, तो वो जो चले गया। लगभग सारे के सारे बकरे जो टाइस पे अभी, उसमें तो अभी सिर्फ मुन्ना भाई का बकरा बंधा हुआ है, दोनों में बंधे उसके बकरे। तो मुन्ना भाई का बकरा अतरंग ही एकदम अलग ही। छोटा फेंटम में एक और इजाफा है माशाल्लाह, देखो भाई कितना छोटा है। मैं भी सोचा कि इतना छोटा बकरा पाल के, बाकी हमें गर्मी भी लगता है आराम से, जाने में भी आराम से आ जाएगा।
पैकअप। टू बी ऑनेस्ट काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया आज आखिरी दिन तक करके। मैं भी थोड़ा बहुत दूसरा बकरों को कल इस टाइम पे सब सोए पड़े हो गए भाई। ये गुने भी फाड़ गया इसने। अरे बाप, सबसे पहली चीज़ घर में घुसते ही हाथ धोना, बस साबुन से रगड़ रगड़ के, क्योंकि आज मैं बहुत खेला इतने टाइम के बाद। मैं दरवाजा भी बनने गया। यूजली इतना मैं जो खेलता ना बकरे के साथ में, फिलहाल नापाकी का सीन ना उसकी वजह से मैं ज़्यादा खेलता हूँ, लेकिन मैं आज मैंने खेला काफ़ी तगड़ा। क्योंकि ब्लॉग में खेला देखा मुझे पता नहीं, लेकिन भाई मज़ा आ गई। अस्सलाम वालेकुम। ऑलरेडी अपना जो सिर खुरमा रेडी हो चुका है, हटा ढक्कन, माशाल्लाह। सर बकरा ईद में ये बात ज़रूरी नहीं कि आपका बकरा सबसे महंगा होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक जो नियत देखते हैं ना कि बकरा। बकरा अगर आप 15,000 रुपये का भी लोगे तो भी आपकी कुर्बानी अल्लाह पाक कबूल करेगी। अगर आप 50,000 रुपये का भी बकरा लोगे तो भी आपकी कुर्बानी अल्लाह पाक कबूल करेगी। सो इट्स नॉट दैट कि आपका बकरा सबसे महंगा होना चाहिए, सबसे अच्छा होना चाहिए। नियत पे दारोमदार कायम है। बारिश नॉन स्टॉप चाली है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं लिया। थक हार के ये दो बकरे सो चुके हैं, वो वाला बकरा भी डोले खा रहा है। अरे मुन्ना भाई का बकरा वैसे ही वैसे एक्टिव बैठा हुआ है, जिसके पास जाने की देरी है एने खड़ा हो जाएगा। कि मैं इनको सोने देते, डिस्टर्ब नहीं करता। भाई ये जो मिट्टी ना बकरे की, वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, देख देख के उतरना पड़ता है। इवन वह बकरे भी काफ़ी फिसल जा रहा था इसके ऊपर। और ये बारिश तेज़ होते हुए अपन अंदर भागते हुए। आप सभी लोगों को ईद अल अज़हा बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। होपफुली जितने भी सारे आपको मैंने बकरे देखा आपको पसंद आया कोई वीडियो। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर अपना, बाकी फॉर मोर अपडेट्स डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ से आगे आप नेक्स्ट व्लॉग में देखा। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय डे। नेक्स्ट व्लॉग पर मिलता आपको भजन नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट। So I wanna say alhamdulillah, God gave me everything.